राजस्थान में मानसून की बारिश ने पूरे राज्य को भिगा के रख दिया है। कल बाड़मेर जालौर जिले में और उसके आसपास के इलाकों में बारिश देखी गई। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र फिर तेज हो गया। तीव्र होने के साथ ही डिप्रेशन में परिवर्तन भी हो चुका है। राज्य में मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य से दक्षिण में स्थित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 21 और 22 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होना और कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। झालावाड़ जिले के खानपुर से बड़ी खबर, जहां खानपुर के कवलदा गांव के पास रोडवेज बस और डंपर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए व एक 9 वर्षीय बालिका की मौत होने की खबर भी मिली है। 41 जने घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर खानपुर SDM श्याम सुंदर चेतीवाल, पुलिस उपाधीक्षक राकेश शर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूरतगढ़ से खबर, जहां श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जनता के सुख समृद्धि के लिए 1 किलो चांदी का छत्र भेंट किया है। रायशाहनगर से खबर, जहां यातायात प्रभारी इंद्रजीत द्वारा कॉलेज स्कूली छात्र व छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। यातायात प्रभारी इंद्रजीत, हेड कांस्टेबल व यातायात स्टाफ ने विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर स्कूल स्टाफ व छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक किया। जानकारी देते हुए इंद्रजीत ने बताया कि 4-व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट पहनना, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग आदि, गति सीमा का पालन करना, यातायात संकेतों के बारे में सही जानकारी रखने व लापरवाह ड्राइविंग से बचने के बारे में बताया। जोधपुर से खबर, जहां सेंट्रल जेल में बंदी वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। इन बंदियों को 1 माह तक वॉलीबॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहां से ट्रेनिंग लेकर जेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में इंडियन ऑयल की ओर से सामाजिक सरोकार की कड़ी में जेल में बंद बंदियों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए शुक्रवार को हुए समारोह में सभी को रेंज IG विकास कुमार की मौजूदगी में किट का वितरण भी किया गया। जानकारी देते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि इसमें बंदियों को 1 माह तक की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद एक टीम बनाई जाएगी और यहां से स्टेट लेवल पर होने वाले जेल टूर्नामेंट के लिए ये बंदी खेलने के लिए जाएंगे। इसमें कुल 40 बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए सभी को किट और खेल सामग्री का वितरण भी किया गया है। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला परिषद भीलवाड़ा ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान 31 जिलों के अंदर पौधारोपण महाअभियान चल रहा है, जिसमें जियोटर्क के माध्यम से राजस्थान में भीलवाड़ा जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर डूंगरपुर और तीसरे स्थान पर बाड़मेर जिला काबिल है। नागौर सबसे कम रैंक पर काबिल है। 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भीलवाड़ा जिले ने शानदार काम किया। भीलवाड़ा जिले में जियोटैग राज जियोट्रॉपी ऐप में 1,26,909 पौधारोपण किया है, जिसमें गवर्नमेंट 1,11,886, AGO 42, प्राइवेट 14,981 जीरो टैग किया है। जिला परिषद के अधिशासी अभियंता के हरिकेश सिंह ने जानकारी में बताया कि राजस्थान में सभी जिलों में पौधारोपण का अभियान चल रहा है, जिसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में पहले स्थान पर भीलवाड़ा जिले ने 18 जुलाई को पहला स्थान पर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम से, जिसमें जिला भीलवाड़ा के अंदर 15,49,000 वृक्षारोपण किया जाना है। दिनांक 18 तारीख तक हमारे भीलवाड़ा जिले में 5,61,000 का टारगेट अचीव किया है और हर वृक्ष के मॉनिटरिंग के लिए कि वो वृक्ष जो सर्वाइवल रहे, मृत नहीं हो, उसको जो है लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन किया जाए,
राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष इस अभियान के तहत राजस्थान जियो ट्री ऐप की एक वो डेवलप किया है, जिसके तहत प्रत्येक पेड़ को उस ऐप से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जियो टैग की जा रही है। उसके तहत भी हमने 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो है 1,26,000 से अधिक उसका जियो टैग किया गया है, और जिससे हमारा पूरे राजस्थान में प्रथम नंबर पर हमारा ये प्रगति दर्ज की है, और आगे भी हम इसकी कोशिश जारी करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी इस प्रोग्रेस को प्लांटेशन को लेकर के और इनको राष्ट्रीय जियो ट्री ऐप पर जियो टैग को लेकर के सख्त मॉनिटरिंग की जाती है। भीलवाड़ा जिले में जो प्लांटेशन में जियो टैग पर जो प्रगति दर्ज की गई है, इसमें से 1,12,000 गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा और करीब 42 NGO के द्वारा तथा प्राइवेट लोगों द्वारा भी लगभग 15,000 वृक्षों को जियो टैग किया गया है, जो कि एक बड़ी ही खुशी की बात है। तो लगातार क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट में भीलवाड़ा आगे चल रहा है ना? हाँ, अभी तक तो हम आगे चल रहे हैं, और अब इसके क्लट साहब द्वारा जैसा कि मैंने पूर्ण अवगत कराया है कि सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा आगे ही रहेंगे। शुभ नाम आपका? हरकेश सिंह, अधिशासी।